What the? No! जूली, जूली बच्चे कहाँ हैं? जूली मेरा भाई कहाँ है? उसने क्या किया? यहाँ से जल्दी ले चलो। जूली बच्चे कहाँ हैं? जूली, जूली। हैरिसन, हैरिसन, हैरी। मैंने सोचा वो तुम थे। बच्चे कहाँ हैं? वो बाहर है। तुमने बहुत देर कर दी। हैरिसन रुको। हैरिसन कहाँ हो? हम तुम्हारे हैं। जॉइन द सर्कल। कहाँ हो तुम? हम तुम्हारे हैं। कहाँ हो तुम हैरिसन? हमारे साथ जुड़ जाओ। हम तुम्हारे हैं। जुड़ जाओ हमारे साथ। हम तुम्हारे हैं। मिस्टर एंडरसन, बिल बट्रोस रेनबो बे रियलिटी से, आप कैसे हैं? गुड। सुनिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। बिल्कुल सही है, खरीदार मिला है। आप चलिए बैठो। हे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या बात है? जैनी, इस घर को देखने के लिए तुम चल रहे हो ना? मुझे घर दिख रहा है माँ। Come on, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं ऐसा कहूँ ये घटिया घर है? ओ चलो। प्लीज। मिस एनर्सन, ये ताजमहल तो नहीं है ना? आपको इसे बेचना है कि नहीं बेचना है? नहीं 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 नहीं, सुनिए, देखिए मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे, देखिए जो औरत इसे खरीद रही है उसके बच्चे बच्चे नहीं है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तुम मेरे वश में हो। मैं जानती हूँ ये सेंटा मोनिका नहीं है, पर थोड़ी बहुत मेहनत से। बस थोड़ी सी मेहनत, फिर भी ये खंडर रहेगा जब तक मैं ना बना लूं। मैं आपको बता दूं कि आपने अच्छा सौदा किया है, अभी जगह आपकी है। हे, ये जगह खंडर तो है लेकिन हमारा खंडर। वाओ। खोलो ना। डैनी के लिए रुको, हम साथ में अंदर जाएंगे। चलो डैनी।
चलो सो जाओ। वहाँ बाहर कुछ है मम्मी? ओ हवा है, कुछ नहीं। चलो बेड पर। इवान तुम भी? मम्मी। मम्मी को किस? तो इस किताब ने तुम्हारी बहन को जराया है। चलो क्या मुझे किस मिलेगी? गुड नाइट। अच्छे से सोना। मैं वाकई तुम्हारी तारीफ करती हूँ कि तुम इतनी दूर से खाना पकाने के लिए आई हो। सॉरी, मैं माइक्रोवेव में खाना बनाने के लिए माहिर हूँ। मुझे माफ कर दो। ओह थैंक्स। तुम्हें पता ही नहीं, बहुत सारे लोग सोच में पड़ गए कि शायद ही इस जगह को कोई खरीदेगा। चलो चलो डॉन। उन्होंने खरीदा क्यों नहीं? क्या ताजा हवा, सृष्टि, सौंदर्य कोई क्राइम नहीं। तुम्हारा धन्यवाद डॉन। एले जैसे रास्ते भी तो नहीं है। और ध्यान से सुनो डॉन, इन पंछियों की आवाज सुनो। वापस दे मुझे। वापस दे मुझे। देखो मैं तुम्हें डांस करना सिखा रहा हूँ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे मैं इस जाम से हमारी छोटी सी दुनिया में ग्राम परिवार का स्वागत चाहूँगा। जल्दी भागो। आमीन। हाँ ये तुम नहीं कर सकते, समझ गए? सिर्फ ख्वाबों में बच्चे, सिर्फ ख्वाबों में। अब बड़े हो जाओ, शायद वहाँ पर सांप हो सकता है। चलो चलकर देखते हैं। चलो मेरे पीछे आओ। पता है ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इन घरों का अपना एक इतिहास है। जॉल कोई बकवास नहीं। हाँ चलो अपनी जबान बंद रखना। तो वो कभी आइडियल नहीं थे। तुम्हारी महिला मंडली कैसी है अलसा? लीन को उसमें शामिल कर लो। ओह हाँ जरूर। हम लोगों ने इसे सामाजिक उत्साह बढ़ाने के लिए शुरू किया, लेकिन कुछ पड़ोसी, भगवान उन्हें माफ करे, हमसे बात तक नहीं करते थे। जो कभी बंद नहीं होती। तुम्हें डरा दिया ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं डरा। क्या तुम्हें मिला? वाह, वो क्या है? तुम्हारे पति कहाँ है? हमारा तलाक हो गया। कितनी बुरी बात है, कुछ मर्द समझते नहीं उनके पास क्या है। जॉन हमें सॉसेजेस दोगे खाने के लिए? बस लगता है अब ये तैयार हो चला है। ओ ये रंगने वाला जो है मुझे पकड़ लिया है। बेवकूफ बना है ना? भगवान करे सचमुच कोई आके पकड़ ले तुम्हें। तुम दिलचस्प हो, वाकई बहुत दिलचस्प। बच्चों क्या तुम ठीक हो? नेटली, इवान, तुम सब बाहर आ जाओ। ठीक है मैं आ गया। कम ऑन, तुम ठीक तो हो? कम ऑन स्वीटी, क्या तुम ठीक हो? उसने मेरे पैरों को जकड़ लिया था। ये सब कर्बी की गलती थी। नहीं मेरी नहीं थी, मुझे बेल ने धर दबोचा। ये तो बढ़िया बात है माँ कि आप हमें ऐसी जगह लाई हैं जहाँ झाड़ी आदमखोर है। अंदाजा लगाओ साफ करने का काम किसे मिला है कल। शुक्रिया बच्चों, मैं तुम्हारे काम की दाद देता हूँ।
देखो वहाँ अंदर साफ हो सकते हैं, कल मैं सपेरों का इंतजाम कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, तुम तो इतना डर गए कि अपने आप को भिगा ही दिया। मैं किसी से नहीं डरता। बिल तुम्हें चाहता है। वो एक सच्चा रियल एस्टेट एजेंट है और वो सबको चाहता है। रॉबर्ट की क्या खबर है? ओ, वो यूरोप में है अपनी मनपसंद के साथ। शादी के 19 साल हो गए मुझे, डिज्नीलैंड की सैर का मौका नहीं मिला। हे बहन, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब तो तुम्हारा घर भी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद तो यही है। डिवोर्स इतना उलझ गया था, पता नहीं अगर डैनी नहीं होता तो मैं क्या करती। मैं अपने बच्चों को पूरी तरह खो चुकी थी। सब ठीक है। सब खत्म हो गया। 6 महीने के अंदर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम यही रहती थी। क्या पता तुम उन तौर तरीकों और बोलने के अंदाज को भी भूल जाओ। क्या लहजा था। स्टेट्स में लोग कहते थे मैं पॉल होगन हूं। तुम्हारे प्यारे ख्वाब में। थैंक यू जॉर्ज। बिल्कुल सस्ते में काम पटाना है, इसलिए मैं सिर्फ स्प्रे पैक ले जाऊंगा। तो फिर तुमसे वही मुलाकात होगी। अब वहां जरा काम कर लेते हैं। नन्हे मुन्ने बाहर आ जाओ, मैं आ गया हूं। ये यहां क्या है? निकल, तेरी तो आ जा। हाँ, देखा। अभी तक तो किसी भूत का नामो निशान नहीं है। यही मैंने कल देखा था। क्या वो? हाँ। ये तो बढ़िया खोज है एवन, ये तो बाहरी दुनिया का जॉन है। चलो सब लोग मिलकर हाथ लगाओ। ओके, चलो ऊपर 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 उठाओ इसे, मेरे 3 गिनने पर। 1 2 3 खींचो। ये कभी हाउस है, मेरे पास भी था जब मैं छोटी थी। माँ, क्या मैं इसे ठीक कर दूँ? जरूर। एवन, तुम अपना दिमाग ठीक नहीं कर सकते। पता है उस वक्त तुम पापा का सेलफोन ठीक कर रहे थे तब क्या हुआ था? तुमने उसे तोड़ा था। चुप रहो। एवन, चुप रहो। तुमने पटक दिया था जब पापा की गर्लफ्रेंड का फोन आया था। चुप हो जाओ, ओके? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, समझ गए? चलो चलकर देखते हैं। नेट इवान, रुको, वहाँ अंदर मकड़ियाँ और बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। आइवन, नहीं, आओ, आओ, कर भी सही था। बहुत बढ़िया नाटक था। तुम बाहर नहीं आओगे अपनी आदतों से? अंदर आओ, ये बहुत बढ़िया है। तेरे तो यानी संभल के। तुम मार डालो मुझे। मॉम, आओ, ये देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ। मैंने तुम बच्चों के लिए किया। क्या?
हम बच्चों के खातिर आखिर तुमने किया क्या है? तुम बहुत ही खुदगर्ज हो। मैं अब सुनो, मैं यहाँ तुम्हारा साथ देने आया हूँ। मेरी जिंदगी लॉस एंजलिस में है। माम, यहाँ पर कुछ चल रहा है। माम, यहाँ पर कुछ चल रहा है। माम, और मैं क्या करती अगर तुम्हारा बाप घटिया निकला तो फिर उसने तुम्हें क्यों छोड़ा? हा? किसी और को अपनाने के लिए मैं अपने पापा को दोषी नहीं मानता। देखो तुमने हमें कहां लाकर रख दिया है। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। तुम यहां पर आई क्योंकि उन्हें तुम्हें संभाला नहीं। मैं हूं बिल। शुक्रिया। आ जाओ। ओ Excuse me. Sure. यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पेस्ट कंट्रोल वाला सुबह आया तो था, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है क्या? देखो माँ, मुझे बेहद अफसोस है जो भी अंदर हुआ उसके लिए। मैं अपने आप में नहीं था। मुझे भी। बस बच्चों का ध्यान रखना, हम बाद में बात करेंगे। ओके ओके बाय डैनी। अच्छा मुझे एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट पता, तुम्हें चलना है वहाँ? न्योते के लिए धन्यवाद। क्या मैं तुमसे बाद में मिल सकती हूँ? ये जगह झाड़ियों से भरी हुई है। हाँ हे, ये क्या है? सॉरी। तुम जरूर डैनी होगे। Yeah, तुम कैसे जानती हो मुझे? मम्मी पापा से तुमसे बात करने से मना किया है। मैं ब्रॉनविन हूँ। नहीं शिट, मेरा मतलब है तुम लोग इसे यहाँ इस मकान में अकेले क्या सीधे बोरिंग? मैं सोच रहा था कि डरपोक, पर यकीन से तुम इतनी मैं नहीं आ सकती भिल, मुझे बहुत से काम है, घर के काम, हिसाब किताब। तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए, पता हो क्या कहते हैं, सिर्फ काम पर आराम नहीं। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता डिनर के लिए या फिल्म के लिए, ब्रेकफास्ट ही सही। पता है क्या, मुझे तुमसे पैसों की मदद चाहिए और बहुत जल्दी। ऑफ कोर्स वो तो है ही। ओके पैसा हाथ से छूटता ही नहीं। क्या तुम उन्हें सुन सकती हो? मैं तुम्हें देख सकता हूँ। क्या वो भूत है? हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। माँ से मत कहना।
ओ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डैनी, मैंने कहा था मेरा कंप्यूटर गेम के लिए इस्तेमाल मत करो। जाओ रक्त का देवता, दावा कर लो, जान लो कि वो मेरे हैं। घटिया मशीन। ये क्या है डैनी? बिल्बो, चुप हो जाओ। दोबारा मेरा कंप्यूटर छूना भी मत। क्या तुम उसमें कोई पौष्टिक चीज नहीं डाल सकते हो? ये पौष्टिक है, राइट? माँ, हमें बकेट चाहिए। तुम्हारे भाई को भी। चलो, अब खेलना नहीं जब तक नाश्ता नहीं हो जाता। डैनी, जरा जाके देखो पेपर आया कि नहीं। बताओ मुझे क्या करना है। पागल लड़का, बकवास करता है। हे, क्या तुम खेलना चाहोगी? तुम खेलोगे? फिलहाल तो नहीं, पर मैं दीवार से बेहतर खेलूंगा। ठीक है, कब? चलो देखे, मुझे अगले हफ्ते US ओपन खेलना है, तो फिर मैं अभी कैसा रहेगा? तो शुरू हो जाओ। रैकेट है? शायद मेरे पास है, यही रुको मेरे आने तक। और ये पेपर पढ़ो। टेनिस रैकेट कहाँ है? मेरा पेपर कहाँ है? पड़ोस में है, एवन लेके आ सकता है। मैं नहीं ला सकता, हमें कभी हाउस की सफाई शुरू करनी है। कम ऑन माँ, तुम्हारा रैकेट कहाँ है? बच्चों के कमरे में देख लो, हम उसे ठीक करने वाले हैं। जैसे कि सच मच का घर। क्या मेरा पूरा परिवार पागल हो गया है? ये तुम जाती हो, मैं ये इस्तेमाल करूँ? हाय मिसेस ग्राहम, मैं ब्राउनविन, आपकी पड़ोसन। क्या डैनी, तुम तैयार हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारे पास एक अच्छा रैकेट नहीं वो है। वो अच्छा ही था जब तक किसी ने उसे स्पेगेटी की तरह खींचा नहीं था। मैं 10 साल का था। चल जाएगा, हम विंबलडन नहीं खेल रहे हैं। मेरे पेपर का क्या हुआ? क्या ये मर गया है? जरा इसे देखो, देखो नेट। ठीक से नहीं देखोगे तो बुरी तरह से हारोगे। hey, मैंने कहा था मैं खेल सकता हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं। तो यहाँ किस लिए आए हो तुम? मैं नहीं आया, मेरा मतलब है मेरी माँ यहाँ लेके आई, उसका जन्म यहाँ हुआ था, मैं यहाँ पर बसने में उन्हें मदद करने आया हूँ। अच्छा, लेकिन मेरे पास 1 महीना और है, मैं अलग हो जाऊंगा। तो यहाँ पे और क्या होता है? गांव के पागल से मिलना चाहोगे? जरूर, क्यों नहीं। काट ली। आओ, मैंने भी। सुनो आई विल, हमारी
हमारी मदद करो। हाय वेन, हमारी मदद करो। मदद करो, मदद करो हमारी। हेलो हाय वेन, हाय वेन, इसे देखो। खराब दिन था मिस्टर हार्लो। आज मैंने कुछ बुरा देखा है। ये डैनी है, अभी अभी आया है मेरे पड़ोस में रहने। मेरे पुराने घर में? क्या तुमने आगाह किया उसे कि वो जगह कैसी है? नहीं, वो मेरा यकीन नहीं करेगा। मैंने सोचा आप बताएं। मेरा यकीन करो बेटे, जो चीजें वहां होती है उससे तुम हैरान हो जाओगे। हाँ, वैसे ही जैसे माँ खाना पकाती है। ए! मुझे छेड़ो मत बेवकूफ लड़के। पीछे हट जाओ पागल, समझ गए? तुम्हें सैटन से डर लगता है? हाँ जरूर। तुम्हें डरना नहीं चाहिए, वो जगह शापित है शैतानों के द्वारा। शैतानों द्वारा? शैतानों द्वारा, ऐसा लगता है जैसे मुर्दों की बारात हो। ये मजाक नहीं है बेटे। हाँ तुम सही हो, नहीं ये मजाक नहीं है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बता दूं, मैं थोड़ा सा डर गया था बस, क्योंकि क्योंकि मेरा घर शैतानों का एक बहुत बड़ा डेरा है। तुम क्या सोचते हो, क्या तुम सोचते हो कि हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए? तुम्हें रात को बुरे सपने आते हैं, दीवारों से और झाड़ियों से खून बहता है। क्या तुम जानते हो, तुम एक अजीब इंसान हो। मैं जा रहा हूं। वो खेल घर है, वहां पर शैतान है। हे नैट, ये देखो। वाह, शिट, मदद करो नैट, किसी ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे पकड़ रखा है। किसी ने दबोच लिया था, ये देखो। आइवन, नेटली, बहुत हो गया, आप चलो। कुछ मत कहना। ओ, तुम लोग काम करके बहुत थक गए होगे, है ना? हमें मदद मिली। आओ। इसका मतलब इसकी गुड़िया है मम्मी, ये पागल है। ये नहीं निकल रहा, ये खून है। जैसे कि तुमने कहा था, ज्यादा कॉमिक्स का असर है। चलो, मुझे भूख लगी है। जल्दी आओ। ओके। उन्हें पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ हो। ओह माय गॉड, क्या ये सब छोड़ोगे? हे, ये अच्छी फोटो है। हाँ देखो, कुछ छुओ मत यहाँ पर। ओके। चलो। मैं बस इतना कह रहा था कि वो फोटो अच्छी है। ओके। लोकल न्यूज ग्रुप में लैंस डेट ट्राई करो। वहां पर मैंने तुमसे क्या कहा था? हे भगवान, हार्लो के भाई द्वारा वो दो बच्चे मारे गए थे। ये तो सीरियस है। हत्या यहाँ? हाँ ये सच है, वो इस कभी हाउस में लोगों को मारता है। क्या मजाक के लिए तुम्हारा ये आइडिया है? तुमने ये आइडियाज नैती और आइवन के दिमाग में डाला कैसे?
नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने इसके बारे में खोज की और। नेटली बेटी, तुम्हें वो हत्याओं की कहानी किसने बताई? होपर बायरन, हमारे दोस्त। आइवन रुक जाओ, मैंने मना किया था ना किसी अजनबी से बात करने को, अब तुम लोग वहाँ खेलने नहीं जाओगे। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कहा है। होप ने कहा हम खेल सकते हैं। मुझे परवाह नहीं उसने क्या कहा, खेल घर में जाने से बंदिश है और यही सब कुछ है। उन्होंने कहा था कि आप हमें रोकेंगी। मेरे साथ ढंग से बात करो आइवन, वो हमारा है, उन्हें हमारी जरूरत है। को खेलना आइवन है। मैंने कहा नहीं, वहाँ नहीं जाओगे। उसे जाने दो, बॉम्ब तो तुम्हारा नहीं है। अपने कमरे में जाओ, दोनों जल्दी चलो। चलो भी नहीं, चलो उसे जाने दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। माँ से कैसे बात करते हैं पहले ये सीखो। हे भगवान, रुको जब तक मैं उन बच्चों के माता पिता को ना खोज लूं। मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगी। होप और बायरन, उन बच्चों के नाम है जिनकी हत्या हुई थी। आइवन, तुम यहां मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहां से, अपने बिस्तर में जाकर सो जाओ। अब मैं तुमसे क्या कहूं, मुझे कुछ पता नहीं था। तुम जानते थे, तुम सिर्फ बेचना चाहते थे। देखो लिन, मेरा यकीन करो, मैं वैसा नहीं हूं। हाँ, इस सौदे की एक अजीब शर्त जरूर थी। क्या? मकान मालिक की वसीयत में शर्त थी कि बच्चों वाले परिवार को यह जगह नहीं बेचनी है। अब मेरी बात सुनो, लड़के ने कहा था कि उसकी माँ पागल थी, ब्रैडी बंच को भेज देते वो संभाल लेता। लेना, आई एम सॉरी, मुझे बस लगा उसे बच्चों से थोड़ी सी नफरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे घर में दो शैतान बच्चे हैं। लिन देखो, प्लीज मुझे समझाने का एक मौका प्लीज दो। लिन देखो, मैं अपनी छुट्टी के दिन वहां पर आऊंगा और उस कैबी हाउस को पूरा तोड़ दूंगा और फिर हम डिनर पर जाएंगे, ठीक है? पक्का? आइवन, क्या हुआ बिल्बो? नेटली, क्या है? देखो, नेटली, ये खूबसूरत है। Come on, it's growing.
Join the circle. Are you yours? We are yours. Join the circle. We are yours. We are yours. Join the circle. We are yours. Join the circle. What the hell's going on with me? Can you eat one cereal at a time like normal people? Four times the goodness, four times the taste. Natalie, Ivan, I won't call you again. What's wrong with you two? Are you sick? We're fine. We didn't sleep much. What's this? Don't. It's nothing. Nat one played doctor. Who? Doctors, I... Shut up, or I'll tell everyone Brahm is your girlfriend. Go ahead and do it. All right, I will. I'll nail your balls to the table. Make you sing like a girl. Get off me! Hey! Now, I knew this would happen. You're both tired because you had nightmares about that cubby house. We did not. Well, the ban still stands. I don't want anyone going down there today. What are you doing? Today, we travel in style. Oh, wrong side. Sorry. I reckon the burger guy's not telling us everything he knows. So what? So watch my back. I can feel it. It's growing stronger. There are children in the house. No! No. It's only a teenager. Damn! I thought you were an expert. You know, if you want to get caught, I can just phone the police. Give me a break, okay? They can't sell the house to anyone with young children. The old lady made sure. You failed me! There are children in the house! The possession started again! Get them out! The cubby house is... Oh,
knock it out. Mom said to keep up, because it's dangerous. Ooh, you're scaring me. Anyway, my mom said nothing. You shouldn't go in there. Says who? Hey, I'm here. What are you gonna do about it, chicken heads? We did warn him. Yes, we did. What are you doing back here? Nothing. We just thought. What we? Who's we? Run, run! I'm calling the cops. You do, I'll tell them about all the occult stuff you got stashed up there. You got no right! Yeah, and who do you think they're gonna believe? Your brother's a murderer and you got 5 years as an accomplice. No. My brother says you got kids in that house. Now, do you? Like I tell you. You get your family out there. Look at me. I'm the king of Cockroach City. If that's what you want, that's what you get. Hey, Fungus Face, you were warned. Get these things off me! Get these things off of me! No can do. You want to be Cockroach King. Now what? Get these things off me! Yuck! You all right? What were you doing? You were told not to go in there. Kirby went in first. We tried to stop him. Go to your room. Both of you. Anybody ready to say they're sorry? Where'd you get this? We drew it. I found another one just like it yesterday. That was Hope's. Here you are, Mommy. You can have it. I don't care. I want it out of my backyard. Tomorrow.
Is this some kind of test? Are you going out of your way to piss me off? Don't take my car without asking. No, I'm sorry. I was just taking... I don't need this from you, Danny. I have got enough problems. If you want to leave, fine. Mom, I was... I don't want to hear it. Mom! Not another word. Is over. Leave them wanting more. Hey, you want to come over? I can't. Mom and Dad are in bed. Come on, I'll meet you out back. Come on. Harlow said that the kids were possessed every time they came in here. I don't feel any different. How about you? No. Hey, got any smokes? Now look who's corrupt anew. My dad would kill me if he found me in here with you. Hey, he probably would, wouldn't he? Danny, Harlow's right. There's something about that place. Shh, shh. Sorry. They
all watching? Those little shits. They know they're not supposed to be in there. Just get them out of there, Danny. I've got to go home. I'll see you tomorrow. Look, it's not as bad as it looks. Shut up, Bilbo! Get inside. क्या बात है? भूख नहीं लगी क्या? हे भगवान! नीचे उतरो, नीचे उतरो। मैं कसम खाती हूँ आइवान की सारी कॉमिक्स चला दूंगी। वो काले जादू से खेलता है। मुझे नहीं लगता वो खेल रहे थे। पागल मत बनो। माँ क्या होगा अगर खेलकर शापित हुआ तो? देखो मुझे पता है ये बकवास है पर जब तुम वहाँ अंदर जाते हो तो तुम्हें कुछ महसूस मुझे नहीं लगता कि कभी मैं शाप है। देखो जब मैं और प्रोनो अंदर गए थे तब क्या? कुछ नहीं। मैंने मना किया और तुमने उन्हें अंदर जाने दिया। डैनी मैंने तुमसे कहा था कि किसी को अंदर नहीं जाने देना। मां मैंने उन्हें वहां नहीं जाने दिया था। मैं तो बस कब से यही कह रहा हूँ कि वहां कुछ नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा है। मरने का समय आ गया। नो! काम नहीं करेगा। मां मैं
मर्ज़े ज़िल। कुछ नहीं होने वाला है। मैं नफरत करती हूँ आपसे। चलो बिल्बो, चलो बच्चे। नैटली, आइवन। देखो अब अंदर कोई नहीं जा सकता। मैंने अपना काम खत्म कर दिया, अब तुम्हें अपना काम करना है। मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में मिलूंगा ठीक रात 8 बजे। हार्लो मदद नहीं करेगा, वो पागल हो जाता है जब तुम उस जगह के बारे में बात करते हो। वहाँ पर कुछ तो है ब्रॉन, और अब ये तुमने ही कहा था। इस आदमी के भाई ने हमें मदद की थी और वो जानता है छुटकारा कैसे पाते हैं। देखो मुझे ये हार्लो के अपार्टमेंट से मिला और ये बच्चों ने बनाया है। दोनों बिल्कुल एक से हैं। मैंने अपनी माँ को बताने की कोशिश की पर वो नहीं मानती। सब कुछ खत्म हो जाएगा, हार्लो सही था। माफ कीजिएगा, आप अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, हमें हार्लो से मिलने जाना है। क्यों? अब मैं एक्चुअली वो हमें काम देने वाला था छुट्टियों के लिए। ओ, वो यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, किसी ने कल रात को उसका घर तबाह कर दिया। उसका छोटा भाई भी लापता है। हम उंगलियों के निशान ढूंढ रहे हैं। चिंता मत करो, हम ढूंढ ही लेंगे। मैंने कहा था ना वो लड़का मुसीबत में है। आपने क्या फोन किया है? हम उस वक्त घर पर नहीं है, प्लीज मैसेज छोड़ दीजिए। लिन हाय, जनरल बिल बोल रहा हूँ। सुनो प्लान बदल गया, रेस्टोरेंट को भूल जाओ, मैं तुम्हारे घर लेने आऊंगा आधे घंटे में। ध्यान से रहना। हाँ, मुझे पता है, ध्यान रखना है, दरवाजा ठीक से बंद करना। हाँ। है और किसी के लिए खोलना नहीं है। बाय। डैनी, फिर कभी ऐसा मत करना, समझे तुम? नीचे झुको। पर क्यों? नहीं, हार्लो के घर पर सब जगह मेरी उंगलियों के निशान पाए गए। अगर वो तुम्हारे पीछे होते तो अंदर आते। डैनी, मुझे जाना होगा, मुझे बाद में कॉल करना। ओके, अब तक कहाँ थे तुम? मैं वहाँ ब्रॉन से बातें कर रहा था, उसके दोस्त के साथ पार्टी में जा रही है, तो मैंने सोचा कि मैं उसके साथ चला जाऊँ। ठीक है, मुझे किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं चाहिए। हो चलो, अब तुम बाहर जाना चाहती हो तो यहाँ की चिंता मत करो। तुम्हें यकीन है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जाओ, चिंता मत करो, मैं बच्चों को संभाल लूंगा। शुक्रिया। और एक बात, पापा बेवकूफ थे जो आपको छोड़कर चले गए। मुझे गुड लक कहो। गुड लक। देखो हो, वो बत्तख है, वो मछली है और वो है मुर्गी। ठीक है। तुम लोगों को आज रात वहां जाने से रोकूंगा। क्या तुम और ब्राउनी उसका इस्तेमाल करने वाले हो आज रात? किसका इस्तेमाल करेंगे? कभी आओ सब नहीं रहा, अब चुपचाप सो जाओ। तुम भी।
लिन, मैं तुम्हें यहां बचाने आया हूं। चाय कॉफी या फिर मैं? बिल, मैं यहां पर हूं। लिन, जरूर होप, जल्द ही। हेलो, तुम ही रिए रही हो? ये कोई मजाक की बात नहीं है। कौन हो तुम? ब्रॉन, ये मैं हूँ डैनी। तुमने क्या सोचा? क्या वो कोई मजाक की बात थी? सोचा तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं बोल रहा हूँ। डैनी, मैं डर गई थी। सचमुच? शायद तुम्हें सुरक्षा के लिए यहाँ आना चाहिए। सही कह रहे हो, मुझे पता है कौन सी सुरक्षा दोगे तुम। अच्छा सौदा है, आजमा लो। मैं यहाँ ठीक हूँ। बकौफ बंद करो। फोन रखो और भागो यहाँ से। कसम खाकर कहता हूँ, अगर ऐसा दोबारा किया तो तुम्हारा बैंड बजा दूंगा मैं। हे, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। डैनी, ये नाटक बंद करो। डैनी, पीछे हटो। बच्चे कहाँ है? ब्राउन, यहाँ से दूर चली जाओ। फेंको ये बैट, वरना मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मैं सिर्फ बच्चों को बचाना चाहता हूँ। तुम हर लोग के जुड़वा हो। सटन मासूमों का शिकार करता है, वो आज रात बच्चों को मारने वाला है। वो 30 साल पहले की बात है। मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसे तुम्हारे भाई बहन चाहिए। वो शुरू हो गया है। अगर तुमने बच्चों को चोट पहुंचाई तो मैंने छुआ तक नहीं, वो शैतान के वश में है और इस किताब में उन्हें बचाने की शक्ति है। ब्राउन, पुलिस को बुलाओ। बच्चों को ले आओ। देखा, ये सच है। तुमने शैतान को अपने ख्वाबों में देखा होगा। कभी हाउस में उसका निवास है। कभी हाउस को तोड़ दिया गया है। उसे तोड़ा नहीं जा सकता। निशा रक्त के देवता। अब मेरी बात सुनो, जब विधि को तीसरी बार किया जाता है तो उसकी ऊर्जा निकल जाती है और मैं उसे रोक सकता हूँ। रोक सकता हूँ। चलो ब्रॉन। आर्मन, नेचर। Oh!
रुको, उसने जरूर जाल बिछाया होगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? वो आ रहा है बलि को अंजाम देने। मुझे शैतान को उसके नाम से पुकारना होगा जो तीन में से एक तो है। तीनों को नाम लेकर पुकारो। गलत नाम पुकारूंगा तो मेरी मौत हो जाएगी। मैं कहता हूँ अंदर जाते हैं, लेकर आते हैं उन्हें। रुको, आखिरी बार जब मैंने ऐसा किया था तब शैतान ने उन्हें मार दिया। अब सोचो उसने कोई निशान छोड़ा होगा। मर्ज़ज़िल, उस कंप्यूटर पर। गुड, वो अपना नाम कभी नहीं बताएगा। मतलब कि ये बचे हुए दो में से है। मैं बलि में शामिल होने जा रहा हूँ। अगर मैं नाकाम हुआ तो तुम्हें आखिरी नाम चुनना होगा। तुम्हें किताब के शब्दों का सही उच्चारण करना होगा तो ही हम बच्चों को बचा पाएंगे। खेल खेलेंगे। अगर वो नाम गलत हुआ तो क्या होगा? वो हो सकता है डैनी। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, तुम हमारे परिवार से हो, पर वो खेलने का वक्त हो गया। तीसरे चरण में स्वागत है डैनी। करो या मरो, हमें अपने बेहतरीन गेम बताओ। मर्ज़ज़िल, मैं तुम्हारे नाम पर थूकता हूँ और जाने का हुक्म देता हूँ।
ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मर्दसर, मैं तुम्हें जानता हूँ, ये बच्चे तुम्हारे नहीं है। तुम बिन बुलाए मेहमान हो। गुड बाय। डैनी, किताब संभालो। मर्दसर, छोड़ दो उन्हें। मैं रोशनी के नाम पर तुमसे भीख मांगता हूँ और जाने का हुक्म देता हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम मर्दसर है। मैं हर वो बंधन तोड़ता हूँ जिससे तुम बंधे हो और जाने का हुक्म देता हूँ तुम्हें। क्या तुम ठीक हो? दिखाया, वो चला गया। ठहरो, क्या वो डैनी? क्या हो रहा है? अब क्या होगा? हे भगवान, चलो चलते हैं। चिंता मत करो माँ, ठीक है, सब ठीक है, बच्चे भी ठीक है। चलो डैनी, मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूंगा। हाँ जरूर। हे शर्त लगाता हूँ, जल्दी मिलूंगा। तुम्हारी शर्त है?
This movie encoded by Dredd Holmes.